हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना नीटिंग पैटर्न। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बेबी कैप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये कुंडी लगा लिए है 54 से 54 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए हम धागा बनाएंगे, ठीक है। अब हमने ये कंघी लगानी है इसमें। इस तरह से हम कंघी लगाएंगे, ठीक है। बराबर बैलेंस के साथ कंघी लगाओगे तो फिर बैलेंस बराबर बना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से, अब जैसे हमारे यहाँ कुंडे आधे अधूरे लगे हैं तो इसको इस तरह से लगा लो। वेट लगा लो। अब हम इसको नंबर को कम करेंगे, ठीक है। पाँच नंबर को अब हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमने जैसे इसमें ब्लैक कलर की धारी डालनी है। ब्लैक कलर की धारी मैं इस साइड क्यों लगा रही हूँ ये बताती हूँ, ठीक है। अगर तो आप इसको फोल्ड करोगे ना, जैसे बॉर्डर है ये फोल्ड करोगे कैप में, ठीक है। तो हम इस साइड धारी लगाएंगे। अगर जब आपने फोल्ड नहीं करना है तो हम इसको कम से कम 14 सिलाई लगाने के बाद धारी लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फोल्ड करके बनाऊंगी, तो मैं इसमें धारी यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं चार, ठीक है। साथ साथ काउंटिंग करते रहेंगे। आठ, दस, बारह, चौदह, ठीक है। तो हमने ब्लैक की चार धारी लगानी है, तो फिर मैं चौथी धारी लगा रही हूँ। ये हमारी 16 सिलाई होगी, ठीक है। ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। 16 सिलाई होगी। अब हम इसमें 14 सिलाई पिंकी लगाएंगे, ठीक है। ये हमने 30 सिलाई लगाई, तो आप ज्यादा कम भी लगा सकते हो। वेट निकालेंगे। अब हम इसमें ये जो पीछे के कुंडे है ना, ये जो पीछे की खाली मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम आगे करेंगे इस तरह से। ये हम क्यों आगे करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। जब हम इसमें कुंडे नहीं डालेंगे तो इसमें, जब हम इसमें ही डालेंगे, इसमें कुंडे हमारे लगे होते हैं तो इसमें होल आते हैं, ठीक है। वो हमारा होल नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो पीछे के खाली कुंडे है ना, पीछे की खाली नीडल है, उसको आगे करके इसमें इसको फोल्ड करके डालेंगे, ठीक है। तो रॉड लगा लेते हैं बैलेंस के लिए, ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। इस तरह से हमने इसमें कुंडे लगा लिए। अब हम कैच को चलाएंगे इस तरह, ठीक है। ये हमारा, ये देखो इस तरह से बॉर्डर बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिजाइन डालना है ना उसको काट को लगाएंगे। अब इसमें मैं एक नया डिजाइन करती हूँ आपको। ये मैंने देखो ये वाला कार्ड लगाऊंगी, ठीक है। ये मैंने कल ही बनाया है, तो ये वाला कार्ड लगाते हैं इसमें। अब हम इसको कार्ड को लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे, अब हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। वेट लगा लेते, ठीक। अब हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे कार्ड को। अब हम ब्लैक इसमें अटैच करेंगे, ठीक है। तो जितने मैंने इसको बड़ा बनाना है उस हिसाब से मैं इसको कार्ड बना लेते हैं, ठीक है।
हमारा डिजाइन भी खत्म हो गया और हमारे को सिलाई भी इतनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक लगा लेंगे और इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। तो बंद करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये डिजाइन बन के आया है, तो मैं इसको सिलने के बाद फिर दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन इस तरह से लुक देगा, ये देखो इस तरह की कैप बन के आएगी, ठीक। ये देखो इस तरह से हमारा ये डिजाइन, ठीक है। तो मैं इसको सिल के आगे बताती हूँ किस तरह की लुक देगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से मैंने सिल के तैयार किया है इसको। ये मेरे पास ऊनी कम थी तो इतना ही बन के आया है ये छोटे बच्चे का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ तो फुल इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसको बड़ा बना के। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।